हेलो गाइस, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सीबीएसई 2009 में आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x प्लस ए जो है ये फैक्टर है, ये जो पॉलीनोमियल दिया गया है, तो आपको इसमें जो a लिखा गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं इस वीडियो में, है ना। तो सोल्यूशन हम देखेंगे, आप x प्लस ए को फैक्टर दिया गया था, x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। सो x प्लस a इक्वल टू 0 हम आगे, यानी जो फैक्टर है वो बराबर हो जाएगा 0 के। सो x इज इक्वल टू माइनस a, एंड इसको क्या कर लेंगे, पुटिंग इन गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया गया था उसमें हम x इक्वल टू माइनस a रख देंगे। तो अगर पॉलिनोमियल को हम px माने, पॉलिनोमियल क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, तो p x की वैल्यू हम निकलेंगे माइनस a, 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस a x की जगह पर, फिर प्लस 5 माइनस a प्लस 10, है ना। यहां क्या हो जाएगा, 2 माइनस a का स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2a का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5a प्लस 10। और जब भी हम जीरोस पुट करते हैं ना इक्वेशन में, तब क्या हो जाता है, ऐसे समय में ये पूरी ही px की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, है ना, ये दोनों ही आपस में कट जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10, आप इसको इस तरफ भेज दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 5a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू 10 बाई 5, करने के बाद से क्या हो जाएगा 2, यानी a की वैल्यू कितना आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, है ना। तो उम्मीद है गाइस कि आप ये सॉल्यूशन समझ पाए होंगे, अगर आपने इस सॉल्यूशन को समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।